सर्वप्रथम तो मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी और नेता प्रतिपक्ष और पूर्व में रहे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का और सदर के विधायक और पूर्व मंत्री रहे श्री अनिल शर्मा जी का, श्री इंद्र सिंह गांधी जी का और द्रंग के विधायक पूर्णचंद जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और पूरे संगठन का, पूरे सभी पार्षदों का, यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के पार्षदों का भी, जिन्होंने मुझे भरपूर सहयोग दिया, समर्थन दिया और इस पद पर बिठाया। मैं अपनी ओर से मंडी नगर की पूरी जनता को आश्वासन देना चाहता हूं कि मैंने पूर्व में भी उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है, उपमहापौर के रूप में कार्य किया है और आगे मुझे ये बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। इस क्रम में ऊपर मैं खरा उतरने के लिए भरपूर प्रयास करूंगा, प्रयत्न करूंगा, 24 घंटे लोगों की सेवा में रहूंगा। जिसको भी मुझसे कोई काम हो, मेरा फ़ोन जो है हर वक्त उपलब्ध रहता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं मंडी नगर की जनता के लिए प्रमुख सेवक के रूप में काम करूंगा और हर समय उपलब्ध रहूँगा। आर्थिक तंगहाली के बीच आप नगर निगम के विकास कार्यों को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे सर? आर्थिक तंगहाली बहुत अधिक है, लेकिन मैं ये लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे दुकानदार भाई हैं, हमारे जो हमारे प्रॉपर्टी, हम उनके आभारी हैं कि कल वो अपना बहुमूल्य समय निकाला और कल उनकी मंडी में आए और उनकी रहनुमाई में, उनके मार्गदर्शन में ये मोर्चा खोला गया और सभी पार्षद भारतीय जनता पार्टी के और ख़ासकर कांग्रेस के 4 पार्षद थे, उनका भी मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने बगैर मनमुटाव के हमारे जो वीरेंद्र भट्ट जी को जो उन्होंने महापौर के लिए चयनित किया, मैंने पूछ रहा है पत्मसा कैंडिडेट कोई उन्होंने कांग्रेस ने नहीं किया। और क्योंकि ये हेल्दी प्रोसेस है मंडी के विकास में स्थानीय विधायक होने के नाते और साथ में हमारे बल और द्रंग क्षेत्र का जो एरिया पड़ता है और सबसे ज़्यादा मंडी सदर का पड़ता है क्योंकि मंडी नगर परिषद ही पहले नगर निगम बनी, उसमें दोनों के एरिए जो शामिल हुए हैं और शहर की बात है, ये अच्छे महापौर का चयन करना बहुत जरूरी था और फैसला बहुत सोच समझ के लिया गया और मुझे लगता है कि मंडी के लिए जहां एक विधायक का योगदान रहेगा, तो बहुत बड़ी स्कीमें जो है विधायक के माध्यम से चलाई जाती हैं, बनाई जाती हैं, परंतु नगर निगम की अंदर शहर के अंदर तो शहर की हमारी मूलभूत सुविधाओं को देना है, वो नगर निगम की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है और एक अच्छी टीम के साथ मुझे लगता है कि हम काम करने का मौका मिलेगा और साथ में मेरे साथ दोनों हमारे जो लेफ्ट और राइट बोल सकता हूँ मैं इनको, क्योंकि मेरे चुनाव क्षेत्र के एक लेफ्ट एक राइट में हैं, दोनों तीनों हम मिलकर जो है यहाँ के विकास में नगर निगम को आगे ले जाने के लिए, जहाँ सरकार के अंदर हमें लगता है कि सरकार के पास जाकर भी हमें नगर निगम के लिए कुछ पैसे लेने की बात है, विकास की बात है, मुझे लगता है हम सभी विधायक भी मिलकर और साथ में नगर निगम के महापौर और उप महापौर दोनों जाकर और सभी पार्षद सभी जाकर जो है यहाँ की बेहतरी के लिए, क्योंकि बहुत सी योजनाएं अभी भी शहर के अंदर करने को है, विस्तार करने को है और इसलिए हमारा जो पूरा प्रयास रहेगा कि एक जो जिम्मेवारी जो नगर निगम के जो मिली है महापौर को मैं समझता हूँ मिलकर एक टीम के लिए हम काम करेंगे और मंडी की बेहतरी के लिए जो मार्गदर्शन हमें ठाकुर जयराम जी का मिलता रहेगा, क्योंकि हमारे जिला के नेता प्रदेश के नेता हैं, परंतु जहाँ जिले की बात आती है हमारे वो शीर्ष नेता हैं जिला के और उनके मार्गदर्शन पे हम प्रयास करेंगे कि इसको बुलंदियों तक, क्योंकि सरकार दूसरी है पर फिर भी प्रयास रहेगा कि उनका जो मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा उस पर हम आगे बढ़ेंगे। और मैं खासकर अपने दोनों सहयोगी विधायकों का आभारी हूँ कि आज एक टीम वर्क के साथ इन्होंने जो काम किया है और बड़ी अच्छी तरह से जो हमारा प्रोसेस शुरू हुआ वो भी खत्म हुआ, मैं इसीलिए मंडी शहर में हूँ। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।